डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, संक्षिप्त परिचय। आपने शोषित महिलाओं और दहेज उन्मूलन के लिए अनवरत उल्लेखनीय कार्य किया है। निराश्रित एवं अनाथ बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं उनके प्रतिस्थापन हेतु सन 1985 में आपने मनीषा मंदिर संस्थान की स्थापना की। माँ सरोजनी ने नन्ही मुन्नी बालिकाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सेवा का ये अनूठा उदाहरण है। विगत वर्षों में 350 से अधिक बालिकाओं का पुनर्वास कानूनन गोद देकर शिक्षित एवं योग्य बनाकर नौकरी एवं व्यवसाय में लगवाकर करवाया। आज भी 38 बेटियां आपके आंचल तले पल रही हैं। 8 घंटे से 8 साल के बीच की किसी भी निराश्रित बालिका के लिए आपकी ममता का द्वार खुला है। मनीषा मंदिर में आपने संजीवन पालना लगवाया है, जिसमें लोग अवांछित शिशुओं को डाल जाते हैं, जिन्हें इस माँ की सेवा से नई जिंदगी मिलती है। 14 नवंबर 2007 को आपको इस अद्वितीय सेवा कार्य के लिए नेशनल अवार्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणु त्रि ने दिल्ली में प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको अन्य कई पुरस्कार साहित्य एवं समाज सेवा के लिए मिले हैं। डॉक्टर सरोजनी, जो आज माँ सरोजनी के नाम से प्रसिद्ध हैं, हर बेटी में अपनी स्वर्गीय बेटी मनीषा की छवि देखती हैं और उसी ममता से उसे पालती हैं। उनकी क्षमता और सेवा कार्य की गहराई आप उनके इस कार्यक्रम अध्यात्म एवं सामाजिक सरोकार से स्वयं अनुभव करेंगे। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब अच्छा अच्छा देखें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये हमारा भाव है। इसीलिए हमने ये विषय लिया है, अध्यात्म और सामाजिक सरोकार, क्योंकि समाज में हम रहते हैं और जब समाज अध्यात्म को छोड़ देता है तो उसका ह्रास होता है। हमने पिछली बार भाषा को लिया, व्यक्तित्व को लिया, आज हम शिक्षा पर जा रहे हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। शिक्षा समाज में बहुत भूमिका निभाती है, बहुत महत्व रखती है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। पहला गुरु उसकी माँ होती है। आज तो ये हाल है कि बच्चा 2.5 साल से ही स्कूल में भेज दिया जाता है। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, उसका मस्तिष्क विकसित होता है, उससे उसको सीखने में आसानी होती है, क्योंकि इसका मस्तिष्क उसी हिसाब से काम करता है। छोटे में माँ का प्यार उसे मिले, बचपन में उसको बहुत सारे खिलौने मिले, तो इसीलिए प्रीति होती है, भय भी होता है, तब अच्छा अच्छा काम होता है। तो मेरा बार बार ये भी कहना है, जो हमारे बीच में लोग सुन रहे हैं, कि कम से कम जब आप अध्यापक हैं तो बच्चे की शिक्षा की ओर, छात्र की अच्छी शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे कि उसका पूरा पूर्ण विकास हो। अगर हम उसी उम्र में उसको ध्यान नहीं देंगे, उसने क्या लिखा है, उसके सुलेख पर ध्यान नहीं देंगे, उसने क्या किया है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो उससे बहुत दिक्कत होगी। आजकल जो जमाना आ रहा है, जो लोग कहते हैं कि एग्जाम नहीं लिया जाए, उसमें भी मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि अगर हम एग्जाम नहीं लें